मुरादाबाद न्यू जनता ऑटो एवं ई रिक्शा चालक यूनियन द्वारा थाना सिविलान स्थित हड़तला नया गांव मुख्य कार्यालय पर एक बैठक आयोजित की गई। बैठक का संचालन प्रदेश महासचिव मुमताज आलम ने किया। वहीं बैठक में फरद अली इदरीसी को प्रदेश अध्यक्ष बनने पर सभी पदाधिकारियों ने फूल मालाओं से व पगड़ी पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश सचिव मुमताज आलम ने कहा कि आज न्यू जनता ऑटो एवं ई रिक्शा चालक यूनियन के फरद अली इदरीसी को प्रदेश अध्यक्ष पद पर चुना गया है, इसकी हम हार्दिक बधाई देते हैं। वही प्रदेश अध्यक्ष फरद अली इदरीसी ने बताया कि मैं शुक्रगुजार हूं कि मुझे ऑटो यूनियन का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है और जो भी समस्याएं ऑटो चालकों के साथ पेश आएंगी उनका जल्द से जल्द निस्तारण करने की कोशिश करूंगा और सदैव उनकी सहायता में उपस्थित रहूंगा। कार्यक्रम में शमशुल मंसूरी, प्रदेश महासचिव मुमताज आलम, नावेद अली, नौशाद अली, इमरान अली, धर्मेंद्र मुल्तानी, परवेज अली, रुस्तम अली, फाजिल मलिक, जाने आलम, सुजात अली, आकिल, उमर फारूक आदि लोग मौजूद रहे। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे, पद जानना चाहेंगे। जी, मुमताज आलम, प्रदेश महासचिव न्यू जनता ऑटो एवं ई रिक्शा चालक यूनियन उत्तर प्रदेश। आज क्या प्रोग्राम यहाँ पर किया गया आपके द्वारा? आज हम लोगों ने, पूरे यूनियन के लोगों ने, जो आपने अपने कैमरे में कैद किया, तमाम साथियों ने अपने प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय फरद अली खान, फरद अली साहब का हमने स्वागत किया, इस्तकबाल किया और पहली मर्तबा मुरादाबाद आगमन आपका प्रदेश अध्यक्ष होकर हुआ है, इसीलिए हमने यहाँ पर स्वागत कार्यक्रम रखा था। कार्यकर्ताओं की तो लंबी फहरिस्त थी क्योंकि ई रिक्शा चालक और ऑटो रिक्शा चालक के तम चालक जितने भी थे वो सभी आने के लिए तैयार थे, मगर आप देख ही रहे हैं कोरोना वायरस जैसा जो माहौल पूरे देश के अंदर है, प्रदेश के अंदर है, इस माहौल को देख के हमने उन्हें यही कह दिया कि आप फ़ोन पे ही प्रदेश अध्यक्ष जी को मुबारकबाद दे दें और यही सबसे बड़ी प्रदेश अध्यक्ष जी के मुबारकबाद होगी कि जो आप फ़ोन पे उन्हें मुबारकबाद दे देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फरद अली इदरीसी। फरद अली, आज किस पद से नवाजा गया है और किस तरह का प्रोग्राम किया गया है? ये उत्तर प्रदेश की यूनियन बनाई गई है जिसका मैं प्रदेश अध्यक्ष बना हूँ, उसके स्वागत समारोह में ये प्रोग्राम रखा गया। किन किन लोगों ने आपका स्वागत किया? मुमताज आलम, धर्मेंद्र मुल्तानी, शमशुल, आकिल भाई और भी अन्य, सुजात भाई, हमारे उमर फारूक भाई, फाजिल भाई, ये सभी लोग इसमें शामिल रहे। आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, कितनी अपेक्षा की कार्यकर्ता आपसे करेंगे और क्या आप उनके लिए निर्णय लेंगे? निर्णय ये है कि जो हमारे ऑटो वालों पर अत्याचार हो रहा है, जो लॉकडाउन में उनके बिलफालतू के चलान हो रहे हैं, किसी भी ज़िले के अंदर कोई स्टैंड नहीं है, हम स्टैंड मांगने की मांग करेंगे। दूसरी बात ये कि हम अपने ऑटो चालकों को भी समझाएंगे कि आप अपने कानून के दायरे में रहकर गाड़ी चलाएं, अपना लाइसेंस, अपने कागज़ पूरे रखें।